एक निश्चय में आ जाओ, आई एम दैट। अच्छी बात करो, चढ़ी हुई बात करो, ये क्या रोज रोज टेंशन वाली बात करते हो। मैं हो जाऊं, मैं बन जाऊं, भाव बना रहे। एक बार निश्चय हो गया तो हो गया। अभी तुम्हारी स्वेटर काली है, घर जाके लाल होने वाली है क्या? याद करके जाना पड़ेगा, काली स्वेटर पहन गई थी, काली स्वेटर भगवान, काली बनी रहे है। काली है तो काली है, गले की चेन सोने की है तो सोने की है, घर जाके पीतल की तो होएगी नहीं। तो जो भीतर भी निश्चय एक बार टिक जाता है, आपके अंदर निश्चय टिका है जीव भाव का, इसीलिए आत्मा का निश्चय टिकता नहीं है। जिसके अंदर जो निश्चय टिका पड़ा है, उसको हम कितना ज्ञान सुनाते हैं, वो फिर अपनी उसी भाषा में वर्तता है, फिर वही सोच सोचता है, फिर वही बातें करता है। अब ये निश्चय ज्ञान वाला टिका है, काम बन जाए और क्या करना है। ज्ञान याद नहीं करना है, ज्ञान से कोई कुश्ती नहीं लड़नी है। ज्ञान का तो बस एक निश्चय, निश्चय की जोत जल गई, काम बन गया। रोज तो गुरु कहता है निश्चय दिया जोतां जगियां ने, निश्चय की जोत जलाओ। कल किसी ने लिख के दिया मेरे को, मित्ते साल से बैठे आपके पास, मन का खोट नहीं जा रहा है। तो मुझे ऐसी आ रही थी, मेरे पास बैठा है ना, मेरा होके नहीं बैठा है। मेरा होके बैठ, तेरा काम बन जाएगा। मेरे पास बैठने से काम नहीं बनेगा। अगर कौआ मैल की मुंडेर पे चढ़ बैठेगा, हंस थोड़े ना हो जाएगा। हंस होने के लिए यतन दूसरा है। तुम भी बोलते हम आपके पास बैठे हैं, मेरे पास बैठने वाले का कल्याण नहीं है। पर जिसको अंदर ये निश्चय होवे मैं आपका हूं, लक्षणा तो उसके अंदर आने वाली है। एक निश्चय हो जाए अंदर से, मैं हूं ही भगवान का, आई एम सन ऑफ गॉड, तो अपने आप हर गलत कर्म से मन हटता चला जाएगा। हमारे निश्चय की तो जीत होती है ना। आज हम मानते हैं मैं पुरुष हूं, तो फिर वही लक्षणा आ जाती है, स्त्री में ध्यान जाएगा, वासना में मन जाएगा। जब मानेंगे मैं भगवान का बच्चा हूं, वो लक्षण आ जाएंगे। बात तो आपके निश्चय की है, बंध और मोक्ष दोनों कल्पना। बंधन सच्चा होता मुक्ति ना होती, मुक्ति सच्ची होती तो बंधन ना होता, दोनों कल्पित है। जो तू चाही सो तू आही, जैसा तुम सोचते हो वैसे तुम हो जाते हो, इसमें कोई बात ही नहीं है दूजी। अब तुम पापी होके आओ, मैं पापी तू बख्शनहार, रोज आ जाओ। जब तेरा पापी होने का निश्चय नहीं जाता, मेरे बख्शने से कोई फायदा ही नहीं होने वाला। पर तू एक बार अगर बख्शा गया तो पाप से ही छूट जाएगा, अगले दिन कहना नहीं पड़ेगा मैं पापी। नहाया हुआ आदमी दोबारा थोड़ी कहेगा मैं नहाया नहीं हूं, नहा लिया। चलो एक बार आए, पछतावा कर लिया, तुमने गुनाह कबूल कर लिए, गुरु ने माफी दे दी, फिर रोज आ जाता है, मैं पापी तू बख्शनहार, मैं पापी। अरे रोज पापी क्यों बनता है? एक बार अगर तू बख्शा गया, अब पाप करना बंद करना। और कैसे होगा पाप बंद? जब बार बार ये विचार करेगा, अब मैं शुद्ध हो गया, अब मैं पवित्र हो गया, अब मेरे में पाप नहीं है, तब पाप नहीं करेगा। तुम सोचता है ये नम्रता है, नम्रता नहीं है, ये जीव भाव का अज्ञान का निश्चय है। मैं पापी, मैं फलाना, मैं टीरा। क्यों? भगवान के दर पे पापी होके ही जाना है, अच्छे होके नहीं जा सकते। भगवान को कोई दिक्कत हो जाएगी हम अच्छे होके जाएंगे तो। बचपन से सीख लिया, बस जाओ तो बोलो भगवान मैं गुनाहगार, मैं पापी, मैं फल। अरे किसी दिन बोलो भगवान मैं तेरा बच्चा, भगवान मेरा तेरे से प्यार। अच्छी बात हम कभी बोलते ही नहीं, सारा दिन बकवास लेके बैठे हैं, दुनिया की गंदी बातें लेके बैठे हैं। भगवान को इम्प्रेशन पड़ेगा, मैं कहूंगा ना मैं पापी, इम्प्रेशन पड़ेगा, या भगवान बाहर करेगा, इस पापी को बाहर निकालो, रोज क्यों आता है मेरे यहां? तुम्हारे घर भिखारी आएगा, कोई गलत आदमी आएगा, उसको दरवाजे से भगाओगे, सोफे पे बिठाओगे?
पर सोफे पे कौन बैठेगा आके? जो तुम्हारा फ्रेंड होएगा, जो तुम्हारे लेवल वाला होएगा। आओ आओ अंदर आओ, सोफे में बैठो, चाय पिए इकट्ठा। तो भगवान को पाने चले और लक्षणा नहीं डालते हो अपने अंदर, और होते हुए भी ऐसा नहीं है कि लक्षण नहीं है। गॉड मेड मैन अकॉर्डिंग हिज ओन इमेज, ओन लाइकनेस एंड ओन रिफ्लेक्शन। अरे भगवान ने तुझे हूबहू अपने जैसा बनाया है, जरा निश्चय तो कर, जरा उस तरह से सोच के तो देख। और तुम सोचते ही दूसरी साइड हो, सारा दिन गलत छलत सोचते रहते हो। क्यों सोचते हो गलत? स्वभाव किसको घसीटते हैं? जिसके अंदर जगत का चिंतन होता है। तुम अपना चिंतन क्यों नहीं बदलते? अपने विचार क्यों नहीं बदलते? अपनी सोच क्यों नहीं बदलते? कई लोग कहते हैं हमको सपन आते हैं, तो रात को तुम गुरु की वाणी सुनते सुनते क्यों नहीं सोते हो? कुछ लिख पढ़ के क्यों नहीं सोते हो? जब चंचल वृत्ति से सोओगे तो पूरी नींद में भी चंचलता चलने वाली है। वृत्ति जैसी है इंसान की। अब देखो, एक दिन भजन गाते गाते सो जाओ, सुबह उठोगे भजन ही मुंह में होगा। जब चंचल वृत्ति से सोओगे तो चंचल वृत्ति से उठोगे, और बीच का समय भी सारा चंचलता में जाएगा। सात्विक वृत्ति में सोओगे, सुबह सात्विक वृत्ति में उठोगे। प्रार्थना करते थे ना पहले बड़े लोगों को, देखो सोने से पहले भी प्रेयर, भगवान मैं आपकी गोद में सोने जा रहा हूं, भगवान मुझे थपकी दे के सुला दीजिए, भगवान मुझे अपना चिंतन दे दीजिए। ऐसे भगवान 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 करते सो जाते थे, नींद आ गई। सुबह उठे सबसे पहले भगवान की याद आती थी, भगवान आज का दिन तुमने दिया नमस्कार, शुक्रिया भगवान जो आज का दिन दिया। अपना चिंतन देना, अपनी याद देना, अपने भाव देना, ऐसी प्रेयर करते थे ना। अब तुम लोगों ने सुन लिया ब्रह्म ज्ञान, सोचते हो प्रार्थना ना करें। अरे जब तक तू ब्रह्म रूप हुआ नहीं पूरा, प्रार्थना करने में क्या नुकसान है? मांगना गलत है ना, पुकारना गलत है ना। पर अपने लिए अगर मैं कमजोर हूं तो क्या मैं भगवान से मदद की आशा नहीं कर सकता हूं? मैं अपने गुरु से मदद की आशा नहीं कर सकता हूं? मैं उनसे तार जोड़ के उनकी कृपा नहीं मांग सकता हूं? हम ये भी तो देखें ना, पूरा समय हमारा ध्यान कहाँ रहता है? जो हम सत्संग सुनते हैं, क्या इस सत्संग में हमारी वृत्ति रहती है? अब आप कहते हो मैंने सुबह आपसे सत्संग सुना, शाम को एक बार घर जाके फिर सुना, पर फिर भी मैं झटका खा के रात को तो उठ बैठा, डिप्रेशन आ गया, ख्याल आ गया। क्योंकि आपने सिर्फ सत्संग सुना, सत्संग गुनाह कहीं नहीं, मनन नहीं किया, इस वृत्ति को बनाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ सुन लिया। और जिस दिन से आ रहे हो, हम रोज कह रहे हैं सुनने से काम नहीं बनेगा, घोटना पड़ेगा, दूध आगे रख बैठे मक्खन थोड़ी बन जाएगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, उसको जमाना पड़ेगा, बिलोना पड़ेगा, तब तो मक्खन निकलेगा ना। पर अगर हम लोगों ने प्रोसेस नहीं किया और हम सोचे हमको मक्खन मिल जाए, कैसे मिलेगा मक्खन? तो इसी तरह से ज्ञान जो है ये भी कहता है कि मनन, चिंतन, विचार, सुनने के रसिया बड़े सारे हैं। पहले कहलाते थे तानसेन, जो गाया करते थे, आजकल मिलते हैं कानसेन, जो सुना करते हैं। सुनने के रसिया सारे हैं लेकिन घोटते नहीं हैं। या तो ईगो हर्ट हो जाएगी, रो लेंगे, या फिर सॉरी बोल के जान छुड़ा लेंगे, लेकिन जो गुरु ने कहा उसका एक शब्द नहीं उतरता अंदर, क्योंकि विचार का स्वभाव नहीं है, चिंतन का स्वभाव नहीं है। सोच ही नहीं पाते गुरु कहां से बात करता है, सिर्फ एक टाइम पास चलता रहता है। मन खुश हो जाता है, मैंने रो के दिखाया, दुखी हो के दिखाया, उनको लग गया होगा मैं समझ गया, चलो चलो अब थोड़ी देर में फिर अपना आ जाओ अपनी उसी चंचलता में,
आ जाओ फिर अपने उन्हीं बातों में, तो उसमें नहीं बनेगा हिसाब। हिसाब तब बनेगा ये जब आप अंदर से निश्चय करोगे, और कुछ नहीं बदलना ज्ञान के बाद, निश्चय बदली होना चाहिए। जो आप मिस्टर सो एंड सो बने हुए थे, अब आपका निश्चय सन ऑफ गॉड का होना चाहिए। जो आप कल तक कर्ता भोक्ता बने हुए थे, अब आपका समर्पण हो जाना चाहिए। जो कल तक आप अपने को साधारण जीव मान के चलते थे, अब आपको हर पल याद हो मैं एक साधक हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं भगवान का भगत हूँ, अब हर क्षण आपको ये बात याद होवे। जैसे आप शादी करके ससुराल में आते हो तो पूरा टाइम आपको एक बात याद रहती है, मेरी शादी हो गई। हर कर्म में आप सबसे पहले ये बात याद रखते हो कि मेरी तो शादी हो गई है, अब तो मैं ससुराल वाला हूँ, अब तो मेरे को पूछना पड़ेगा हर बात के लिए, आपको एक याद रहता है। ऐसे जिसको अंदर हर वक्त ये एहसास नहीं है कि मैं एक साधक हूँ, उसका व्यवहार परमार्थ कुछ भी संवरने वाला नहीं, समर सकता ही नहीं है। चाहे हम सामने बैठ के 2 घंटा भी बोल लें, वो थोड़ी देर बाद अपनी वही सृष्टि में खड़ा होगा, भूल ही नहीं पाता, फिर वही जगत, फिर वही बातें। और अगर एक व्यक्ति विचारशील होवे, इतनी दूर जा गिरेगा वो जगत से, उसको याद ही नहीं पड़ेगा संसार। लेकिन जब हम सिर्फ सुनते हैं और मनन नहीं करते, हमारी दूरी नहीं होती जगत से। बात तो मैंने जो समझनी थी समझ ली, फिर अब वही काम करूं, फिर अब ये करूं, फिर अब वो करूं, खड़ा वहीं का वहीं। संतां दा कहना सिर मत्थे, नाला उत्थे दा उत्थे, नाला वहीं बह रहा है, खड़े वही जीव भाव में, खड़े उसी अज्ञान में, खड़े अपने उन्हीं बातों में। ये क्या है, कैची नहीं हुआ, मन को एक क्षण के लिए कंपैरिजन ही नहीं हुआ। कल इतना फकीरी का सुना, अगर एक शब्द चुभ जाए अंदर में, फकीर, मैं तो परमात्मा का फकीर, एक शब्द चुभ जाए अंदर, सारी अपनी रहनी सामने आ जाए, और अब तो कोई जिए मरे ख्याल ही ना जाए कहीं, लेकिन चुभा कुछ नहीं, अंदर गया कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद कई लोग फिर खड़े हो गए, वही दुनिया की बातें, वही प्रश्न, फिर वही अज्ञानता, फिर वही मिठाई खा लो, फिर वही फलान कर लो, मतलब भूलता नहीं ना जगत अंदर से, क्योंकि अपना आप ही नहीं भूलता, अपना अहंकार ही नहीं भूलता, अपने संबंध ही नहीं भूलते, अपने मन का मुंड कोई नहीं मुंडाता। और जब तक मन का मुंड नहीं मुंडाओगे, आसन नहीं लगा सकोगे मन पर, कबीर लगा सके। वो कहते हैं मन है सवार पवन के ऊपर, आसन कबीर लगाए ओरे राम। लेकिन कब लगा सका, पहले मन का मुंड मुंडाए ओरे राम, मन का मुंडन किया ना पहले। यहां मन को मार भगाया है, ना दुनिया है ना काया है, काया याद है दुनिया याद है, काया याद है संबंध याद है, संबंध याद है उनके दुख सुख याद है। ये नकल तो सब जल्दी में करते हैं ज्ञानी की, पर ज्ञानी क्या है अंदर से, ये कोई कोई जानता है। कभी हम लोग निकलते हैं मॉल में, देखो रास्ते में देखो, कहीं जा रहे हो ना, तो कोई ऐसे कैमरा लेके फोटो निकाल रहे होते हैं। आजकल वो क्या खींचते हैं, अपनी फोटो, सेल्फी है ना, सेल्फी निकाल रहे होते हैं। अब ऐसे लगता है मतलब मेरी फोटो तो नहीं आ जाएगी इसमें, लग रहा है जैसे कैमरा मेरे आगे है, पर फोटो तो अगला अपनी खींच रहा है, सेल्फी खींच रहा है। ज्ञानी सारा दिन सेल्फी खींच रहा है, तुम्हें लग रहा है मेरे साथ मस्त है, मेरे साथ खुश है, मेरे साथ, हमारे साथ आनंद में है, पार्टी में खुश है, नहीं, वो सेल्फी खींच रहा है। तुम्हें भ्रम हो रहा है कि शायद तेरी फोटो निकाल रहा है, तेरा संग उसको अच्छा लग रहा है। इसी चक्कर में आधे लोग तो अभ्यासी गलत कर जाते हैं। ज्ञानी भी सगल के मध्य सगल तय उदास, तुम वहां से हटने के बाद भी उदास नहीं हो,
और कह रहे हो सगल के मद सगल ते उदास। कितने बेवकूफ हो तुम, आ गए उस जगत से हटके भी, उसके बाद भी तुम्हें अंदर याद है वो जगत। तुम ये कैसे कह सकते हो सगल के मद सगल ते उदास? अगर हम हट जाएं उसके बाद भी चिंतन शून्य हो आए, बहुत बड़ी बात है। ये धोखा है अपने साथ कि मैं तो ना सबके बीच रह के भी न्यारा हूं। जब तुम वहां से हटके ही न्यारे नहीं हो, बीच में रह के कैसे न्यारे हो गए? तभी हम रोज बोलते हैं अपने से बात करो, अपने से सच्चे बनो, हमें मत सफाई देने आओ, कोई यूज ही नहीं। लेकिन अपने आप से पूछने की जरूरत है कि तुम कितना न्यारे हो उन चीजों से। आज जो धारणाएं बना ली मन ने, उन धारणाओं को तुम अपने ज्ञान के निश्चय से तोड़ोगे ना, कोई और तोड़ेगा। अगर तुम्हें सुख बुद्धि संसार में है तो तेरा ये निश्चय कि सुख स्वरूप मैं हूं, तेरा ये निश्चय कि सुख स्वयं में है, तेरा ये निश्चय सुख परमात्मा में है, ये तुम्हें तारेगा या खाली बोलने से तुम तर जाओगे? निश्चय से तरने वाले हो ना भाई। जब एक व्यक्ति को पता चल गया भाई, जैसे कुत्ते ने हड्डी चबाई, उसका अपने ही जबड़ों से खून निकला और उसको लगा हड्डी में रस है भाई, ऐसे इंसान रस स्वयं का पीता है और सोचता है रस दूसरे में। कभी सोचता है दृश्य में रस है, कभी सोचता है स्त्री में रस है, कभी सोचता है पुरुष में रस है, कभी सोचता है धन में रस है, जहां जहां भी जिसका फील्ड है। अब एक बार अगर ये कुत्ते वाली कहानी समझ आ जाए कि मैं तो अपनी हड्डियां चबा के अपने जबड़ों का रस पी रहा हूं खून, और मान रहा हूं हड्डी में रस है, एक बार समझ आ जाए, बैरमुखता हटेगी कि नहीं हटेगी? कितनी देर लगेगी? जो दृश्य भी दिखता है उसमें भी मैं मान रहा हूं ना रस है, मैं मन एकाग्र कर रहा हूं। वही मन ज्ञानी ने भगवान में एकाग्र किया, तो जो सुख उसको एकाग्रता में भगवान में आया, तुमने वो सुख बार दृश्य में मान लिया। दरअसल रस ना वहां है ना वहां है, मन की एकाग्रता में रस है। तन मन होवे एक रस, सुमरन कहिए सोए। जिसको अंतर्मुखता हो गई, एकाग्रता हो गई, वो स्वयं आनंद स्वरूप हो गया। बाहर से रस चाहिए ही नहीं, बाहर रस है भी नहीं, मैं खुद रसमय हूं, मैं खुद आनंद स्वरूप हूं। ये तो जब मैं अपने सुख की जरा सी कलई बार लगाता हूं तो मेरे को भासता है शायद बार सुख है, असल में तो सुख मेरे स्वयं में। याग्वलक के मुनि कहते हैं सुख ना तो स्त्री के शरीर में आलती पालती मार के बैठा है, ना सुख पुरुष के शरीर में आलती पालती मार के बैठा है, पर ये मन की मनौती है। सब मान रहे हैं सामने वाले में सुख है, असल में अपना सुख निकाल के बाहर डाल दिया। अब इसका भी एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है भाई, जब तक तुम्हें स्त्री नहीं मिली थी क्या तुम सुखी नहीं थे? जब तक पुरुष नहीं मिला था तुम सुखी नहीं थे? जब तक बेटा पैदा नहीं हुआ था तुम सुखी नहीं थे? थे ना? अब तुमने अपना सुख वहां मानना शुरू कर दिया, इस मानने ने झगड़ा पैदा कर दिया। यही तो भगवान बोल रहे थे कि अभी तुम घोड़ा हुआ या गधे के निश्चय में ही खड़ा है। गधे के निश्चय में खड़ा है माना जीव भाव में, गधे के निश्चय में खड़ा है माना फिर सुख बाहर ढूंढता है, फिर कमजोर पड़ता है, फिर दुखी सुखी होता है। घोड़े का निश्चय माना अपनी आत्मा का निश्चय कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, ऐसा निश्चय किया, सिर्फ अंदर के मानने का फेर है। जिस दिन तेरा मन ये निश्चय कर लेगा आई एम सन ऑफ गॉड, तो तू भगवान के पास बैठा है या दूर बैठा है,
तो भगवान का रूप होता जाएगा, पर अभी तुम मान नहीं रहे हो अंदर से। और मानने के अलावा एक बात और भी है, जहां तुम्हारे मन को अपनी मर्जी पूरी करने को मिलती है, वो पूरा समय उस समय की ताक में भी रहता है। कई लोग कहते हैं रात को ही ख्याल ज्यादा आते हैं, हम सपने में गिर जाता हूं, इसका कारण क्या है? तुमने एक समय निर्धारित किया हुआ है, फीड है माइंड में, बस लेटूंगा ना फिर ख्याल करूंगा मजे से, फिर सोचूंगा वैसी बातें, फिर ऐसा होएगा। पूरे दिन तुम्हारा ध्यान जाता है कि नहीं जाता है? तुम दिन में 100 संकल्प करते हो गिरने के, तो गिरोगे ही, चढ़ोगे कैसे? गिरने का संकल्प करता है ना, सच्ची बात नहीं बताते हो तुम हमको, पर हम तुमको जानते हैं अंदर से। तुम्हारा मन संकल्प करता है तो गिरता है। जब कामदेव को जला दिया गया भगवान शिव द्वारा, रत्ती पहुंची, बड़ा रोई, भगवान ये आपने क्या किया, इसको राख कर दिया, सृष्टि कैसे चलेगी, बाकी काम कैसे होंगे। बहुत उसने जब विलाप किया, भगवान शिव को दया आ गई, उसको जीवन दिया कामदेव को, लेकिन उसको कह दिया अब तेरा वास संकल्प में होगा। पहले कामदेव बड़े बड़े ऋषियों की समाधि भंग करता था, शिव जैसे को तंग करता था, अब उसके ऊपर एक बात रख दी गई कि तेरा वास संकल्प में होगा, जो संकल्प करेगा तू सिर्फ उस पे हावी हो सकेगा, जो तेरे लिए संकल्प ना करेगा तू उस पे हावी नहीं हो सकेगा। आज जिसके सिर पे चढ़ के काम बोलता है, पक्की बात है वो अंदर से संकल्प करता होएगा, वो बार बार अंदर संकल्प में चाहे सुख मानता है इसीलिए संकल्प करता है, पर अपने संकल्प से गिरता है। तुम एक दिन निरसंकल्प रह के देखो, तुम नहीं गिरोगे। तुम बीच बीच में संकल्प, जब थोड़ा ही फ्री टाइम मिलता है फिर संकल्प करते हो, फिर संकल्प करते हो, कोई दृश्य देखते हो संकल्प करते हो, कोई बात सुनते हो संकल्प करते हो, तो संकल्प की सृष्टि रोज सुनते हो, संकल्प की सृष्टि है। तो जैसा जिसका संकल्प है ऐसी सृष्टि उसको देखने में आएगी। तेरा संकल्प कैसा है? क्या तुमने भगवान के लिए संकल्प किया है? केवल तुम संकल्प भी तो करते हो ना, संसार का संकल्प भी तो करते हो ना, कामना का संकल्प भी तो करते हो ना, वासना पूर्ति का। अगर तू भगवान का संकल्प करेगा तो तेरे पास भगवान आएगा। सपना क्या है? सब अपना है। तुम चाहो सपने में भगवान को बुला लो, भगवान भी बंधेला हो जाएगा। तू संकल्प करेगा भगवान आओ, आना पड़ेगा। इसीलिए देखो, हनुमान को बुलाओ हनुमान ही आते हैं, माता को बुलाओ माता ही आती है, क्राइस्ट और बुद्ध नहीं आ जाते हैं। संकल्पमयी सृष्टि, तेरे संकल्प को इतनी ताकत है तू जिसको चाहे बुला ले। अब तू संकल्प से बुलाता ही काम को है, तो जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी दोनों कबरें रवि रजनीक धाम। क्या बुलाते हो तुम, क्या संकल्प करते हो तुम? ज्ञानी को छूटने के संकल्प हैं, अज्ञानी को बंधने के संकल्प हैं। फिर ऐसा होएगा, फिर ऐसा करूंगा, फिर एक छोटा सा संसार में भी काम हो हजारों संकल्प कर लेते हो, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, हम ना ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे, हम ना वैसा चलेंगे। ले ओ भाई, अब जिसको चाटनी विष्ठा है उसको मिठाई कौन खिलाएगा? अपने ही संकल्प कर लिए ना, और एक एक संकल्प का इंसान फिर अजूरा भरता रहता है। फिर कहते हैं हमको माया घसीटती है, ये तो झूठी बात है। माया घसीटती है, तुमने खुद अपने गले में रस्सी डाली माया की और बोला घसीटो मुझे। माया नहीं घसीटती, क्योंकि हमने अनुभव किया जिसने जितना छूटने का संकल्प किया वो उतना छूट गया। जितना संकल्प किया जिसने, जितना अपनी माया काटनी चाहिए उसने उतनी काट ली, और जो बंधा दुनिया बांधती है, लोग पीछे पड़ते हैं, कोई नहीं पीछे पड़ता। मक्खी बैठी थी रसगुल्ले की दुकान में, रसगुल्ला खा रही थी, बंगी निकला वहां से विष्ठा लेके,
पहले ऐसे भंगी ले जाते थे ना, मक्खी फटाफट उड़ी और विष्ठा खाने चली गई। क्या मक्खी को खींचा गया? नहीं, मक्खी को अपना संकल्प हुआ तो रसगुल्ले तो यहीं रहने वाले हैं, जमादार निकल जाएगा, वो चली गई। ऐसे मत बोलो मेरे को माया घसीटती है, लोग घसीटते हैं, हमारा अपना मन जिस तरफ घसीटता है। सीधी बात है, आज हमारा नेम है सत्संग का, अब कई लोगों की छुट्टी है, सो रहे होंगे, हमारा नेम है, हम लोग आ गए। कई लोग रात को उधर जागरण करते हैं, चौकी करते हैं माता की, अब उनका नेम है। अब कोई तो घर में सो रहे हैं, कोई तो पिक्चरें देख रहे हैं, कोई होटलों में घूम रहे हैं, कोई अपना भक्ति कर रहा है। तो जो भक्ति करने गया उसको तो पिक्चर का टिकट कोई ना दे आया, और आएगा भी तो वो बोलेगा नो, आपको पता है मेरा तो इस समय, अब हमारे पास कोई भी ऑफर आ जाता है हम बोलते हैं आपको तो पता है हमारा सत्संग का समय। अभी पीछे किसी ने बोला घर में ही बहुत क्लोज रिलेशन, 25 तारीख काम फंक्शन करें, मैंने कहा आप जानते हैं 25 तारीख क्रिसमस होगा, इतनी यहाँ पब्लिक होगी, हॉल बुक है पहले से, सॉरी आप लोग जाइए करिए आशीर्वाद, मैंने कहा यहीं से मिलेगा, टेलीकास्ट हो जाएगा, आशीर्वाद भी ले लेना। ये एक्सपेक्ट मत करो कि हम अपना सत्संग छोड़ के कोई और काम करेंगे, जिसका जो निश्चय है वो वही करता है ना। सीधी बात है, एक बच्चे को भी आपको स्कूल भेजना है, आप उसको स्कूल भेज के पीछे जाते हो, घर के मुहूर्त में हवन में बच्चे को स्कूल भेज के आएंगे, बच्चे को बताते ही नहीं कि जिद करेगा ये, जब वो दोपहर को आता है मम्मी हलवा कहाँ से आया, ये चीज वो बेटा आंटी के घर हवन था खा ले, बच्चे का भी खास ध्यान नहीं जाता। अपने संकल्प की जय जयकार है, हम जैसा जीवन बनाना चाहेंगे वैसा बन जाएगा। अब क्या हुआ, जब राम राज की स्थापना हुई, आ गए वहां से वापस वनवास से, राम जी को राजगद्दी मिल गई, तिलक हो गया, अब एक दो दिन में मेहमान विदा होने शुरू हुए सारे, क्योंकि मेहमान काफी सारे जंगल से आ गए थे साथ, सुग्रीव आ गया था, अंगद आ गया था, और वानर आए थे, जिन जिन ने मदद की थी भगवान ने सबको बुलाया था, अब सब विदा होने लगे एक एक करके। अंगद जाके भगवान के पैर पकड़ के रोने लगा, मैं नहीं जाना चाहता हूं, मैं नहीं जाना चाहता हूं। भगवान ने समझाया, नहीं अभी तुम जाओ, मेरा राज समझ के राज्य करो, मैं फिर आऊंगा तुम्हें तारूंगा, ऐसे करके भगवान ने करी चिकनी चुपड़ी बातें और भगा दिया। किसी की नजर गई कुछ दिन बाद हनुमान जी पर, आप नहीं गए? बोला मैंने कहां जाना था, हनुमान जी ने नाम ही ना लिया जाने का, वो वहीं के वहीं रह गए, संकल्प था भगवान के साथ रहने का, उसने ये कहा ही नहीं मुझे मत भेजिए, कहां भेजेंगे, मैं जाऊंगा कहां, मेरा है कौन आपके सिवाय, रहता रह गया। अंदर का संकल्प भगवान तक पहुंचा होगा, जो राम जी को भी ख्याल ना आया कि हनुमान जी आप भी तो जाओ, कहां जाते थे हनुमान जी, जो बनाई राम के लिए, जिसको निश्चय हो गया मैं बनाई राम के लिए हूं, बस मेड फॉर ईच अदर, हनुमान राम के लिए, राम हनुमान के लिए, दुनिया ना चले श्री राम के बिना और राम ना चले हनुमान के बिना, निश्चय की बात है, परस्पर निश्चय। अगर भगत इतना कुटस्थ है तो क्या भगवान उसके चिंतन से खाली है, संकल्प की बात हो गई ना। अंगद को फिर भी पता था मेरा राज्य, और कह रहे हैं मैं नहीं जाना चाहता, भगवान ने कहा ना बेटा तेरा राज्य है तू जा, हनुमान जी तो बैठे हैं, मेरा कोई है ही नहीं, मां भी नहीं, पत्नी भी नहीं, बच्चा भी नहीं, मेरा कोई नहीं, मेरे तो सिर्फ राम जी, अब अपना संकल्प जीत गया। ऐसा नहीं है कोई कितना छूट सकता है, जितना कोई चाहता है उतना छूट सकता है, कितने की कोई लिमिट नहीं है। हमारे पास ऐसे बच्चे भी बैठे हैं जिनके घरों में इतने बड़े बड़े फंक्शन हो गए, इन लोगों ने संकल्प रखा, मैसेज ही नहीं आए, आया भी तो एक बार फीके मुंह कह दिया देख लो अगर तुम टाइम हो तो,
बोला यहां से निकलना मुश्किल, बोला अच्छा कोई बात नहीं, छूट गए जैसा जिसका संकल्प था। ये थोड़ी है कि कोई लिमिट है छूटने की, मेरा मन जितना छूटा हुआ होगा, बात ये है, मेरा मन छूटा हुआ है तो तन को कौन पकड़, और तन को कोई पकड़ भी ले फर्क नहीं पड़ता। मान लो कोई मन से आजाद है, ब्रह्मज्ञानी है, मन से छूटा हुआ है, ले जाओ, कहां ले जाओगे, किस फंक्शन में ले जाओगे, ले जाओ। ब्रह्मज्ञानी को पकड़ के वैश्या के कोठे पे ले गए, वो बेचारा जाए ना, घसीट घसीट ले गए, डरता है, चल ना वहां कूटस्थ रह, फिर देखें, जब वैश्या करेगी ना हाव भाव, फिर तेरा सारा ज्ञान निकल आएगा। घसीट के ले गए उसको, वहां वैश्या ने नाचना शुरू करना था तो ढोलक बजी, संत इतना नाचा वैश्या के साथ, इतना नाचा, सबको लगा देखा हो गया ना दिमाग खराब यहां आके। हाँ संत जी, अब क्या हाल चाल है, बोला पहले क्यों नहीं बताया, यहाँ की ढोलक भी हरिओम बोलती है, मैं तो आप पे आ जाता था, मैं तो खाम खा डर रहा था। वो सोच रहे हैं वैश्या के साथ नाच रहा है, वो तो अपनी ओम की तान पे नाच रहा है। एक बार तू मन से छूटेगा तो तन को कुछ नहीं बांधने वाला, ये मन है जो बेकार के संकल्पों से बंधता है, फिर शरीर को भी घसीटता है, फिर कहता है मैं इन्वॉल्व हो गया। इन्वॉल्व तो मन से हुआ जाता है, तन क्या इन्वॉल्व होता है, कहीं भी कहां भी चले जाओ तन क्या इन्वॉल्व होता है। अगर तुम दो कदम उस पे वो डीजे फ्लोर पे नाच लोगे इन्वॉल्व हो गए, तुम दो फोटो खिंचवा लोगे इन्वॉल्व हो गए, नहीं, मन को जो रस आना शुरू होता है इन्वॉल्वमेंट तो उसको कहते हैं, जो मन को रस आता है इन्वॉल्वमेंट तो उसको कहते हैं। ऐसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग ही कहीं जाते हैं, कई लोग पकड़ लेते हैं शादी ब्याह में, कभी चले जाओ कहीं, जिद करते हैं दो मिनट पकड़ के, आप भी हाथ उठा दीजिए, ले उठा दिया, फिर क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गए क्या, ऐसा कुछ नहीं। कृष्ण तो सारा दिन ही नाचने की मुद्रा में, इन्वॉल्व है क्या, पर वो नाचता क्यों है सारा दिन, निज आनंद में, निज आनंद में। जब अंदर आनंद होता है तो हम बिना म्यूजिक के भी नाच सकते हैं ना, वो गाना आता है ना, शहरी बाबू दिल लहरी बाबू, पग बांध गया घुंगरू, बांधे घुंगरू नहीं, खुशी इतनी मिली उसके मिलने से कि लगता है जैसे पैरों में घुंगरू बंधे हैं, पब्बा पार नच दी फिर, अब सारा दिन हम पैरों के बाहर नाच रहे हैं। तो जिसको अंदर का आनंद मिला, भगवान की शरण मिली, भक्ति मिली, तो नाचेगा। कई लोगों को आप देखते हो भजन में नाचते हैं, कईयों को देखो जागरण में नाचते हैं, दिखावा नहीं है, अब उनके भीतर भगवान का प्रेम उछलता है। मीरा दिखावे को थोड़ी नाच रही है, म्यूजिक थोड़ी बज रहा है सारा दिन, पर वो अंदर जो भगवान के प्रेम की मस्ती आती है ना, मुझे नचाए उसकी मस्ती, मुझको मिल गई बिल्कुल सस्ती, ये उसके प्यार की मस्ती नचाती। तो संकल्प कैसा है मेरे अंदर, अगर मेरा संकल्प मुझे परमात्मा से बांधे रखता है तो मेरे को संसार में घसीटने वाली कोई चीज ही नहीं है। कमजोर पड़ते हो अपने मन से, आदत बना लेते हो एक, अब ऐसे ही चलना है, अब ऐसे ही विचार करने हैं, अब ऐसा ही काम करना है, मोबाइल मिल गए सबको, चलो अब रात को हम फ्री हुए, अब बैठ के अपना अकेले कमरे में बच्चे कुंडियां ही लगा लेते हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, काम कर रहे हो तो कुंडियां काहे बंद कर ली, नहीं उनको गंदे दृश्य देखने हैं, पिक्चरें देखनी है, यही सब काम करना, अपने संकल्प से गिराना, और किसने गिराया। और अगर तुम बैठ जाओ लगा के भगवान की कोई वाणी, बैठ के भजन सुनो कोई, भजन का रियाज करो कोई, उसमें आनंद आ जाएगा। मन को कोई अपनी चॉइस नहीं है, इसका कोई रंग ही नहीं है, जैसे पानी उसका कोई रंग रूप नहीं, जो रंग में ला दो पानी उसी रंग का हो जाता है, जिस ट्रे में डाल देते हो वैसी शेप ले लेता है। मन को भी जिधर तुम ले जाओगे मन उधर चलेगा। एक आदमी को घोड़ा था और घोड़े की बहुत सेवा करता था,
और घोड़े पे घूमता फिरता था। एक दिन कहीं जा रहा था तो घोड़े से गिर गया, चोट आ गई। घोड़ा बेचारा धीरे धीरे झुक के बैठ गया नीचे कि मालिक मेरी पीठ पे आ जाए। आ गया मालिक पीठ पे, धीरे धीरे चलता हुआ घोड़ा उसको अस्पताल ले आया। पर कौन सी अस्पताल? जानवरों की अस्पताल, क्योंकि घोड़े को ये पता था मुझे चोट लगती है, मेरे को यहीं लाते हैं। उसको लगा शायद इसको चोट लगी है, इसको यहीं लाना होगा। इसका सिद्धांत बहुत अच्छा है, मन को जो गलियां तुम घुमाते हो ये फिर तुम्हें उन्हीं गलियों में घुमाता है। मन को सत्संग की गली घुमा दी जिन लोगों ने, देखा सत्संग आए बिना रहा नहीं जाता। मन उकसाता है, चल चल कोई बात नहीं, काम तो कल भी हो जाएगा, आके भी कर लेना, चल चल। जिन्होंने घुमाई संसार की गलियां वो कहते हैं क्या करें, मन यहां आके लगता नहीं, वहां खिंचता है, वहां खिंचता है। तो जो गली तुमने घुमाई है मन बेचारा वो गलियां घूम रहा है, मन का भी कसूर नहीं। अब तुम अगर इसकी गली बदली करवा दोगे तो फिर इसको यहां का भी रस आ जाएगा। हरेक अपने आप को जांचे, कोई किसी माया से नहीं घसीटा जा रहा है, भगवान भी किसी को कहीं नहीं भेज रहा है, सब अपने ख्याल है। जैसा हम ख्याल कर रहे हैं वैसी हमारी सृष्टि होती जा रही है, जो जिस तरफ जाना चाहे। कौन रोकता है? तुम ईश्वर की तरफ बढ़ना चाहो, ईश्वर मार्ग पे मार्ग खोलता है, चलो बेटा आओ बेटा, रोज भगवान रास्ता देगा। पर अगर कोई माया का संकल्प करे तो भगवान कहते हैं कुकर सुकर आदि नीच योनियों में भी फिर ऐसे को मैं ही धकेलता हूं। जैसा जिसका संकल्प है, जैसी जिसकी सोच है। अब कहते हैं हमको आपके पास आने में डर लगता है, मेरे पास कुछ रखा है क्या डर लगता है? अपने कर्मों से डर लगता है, पता है ना अंदर मैं क्या करता हूं, गुरु को क्या पसंद है मैं क्या करता हूं, गुरु मेरी कैसी जीवन देखना चाहता है, मेरी रहनी कैसी है। अब जब किसी को ये बात पता है तो उसको डर लगेगा ही लगेगा। हम नहीं डराते किसी को, हम कोई डंडा लेके बैठे हैं, हम तो प्यार करते हैं। लेकिन डर कहां से आ गया बीच में? डर अपने गलत कर्मों से आ गया। एक अजीब बात है, जो कर्म तुम किए बैठे होते हो, तेरा मन कहता है गुरु के सामने जाऊंगा, गुरु जानी जाना ना रहे, गुरु को पता लग जाता है, डर यहां से आता है। और कई बार तुम देखते हैं इत्तफाक गुरु के मुख से बात निकल भी जाती है और पक्का हो जाता है, तो बराबर इनको पता लग जाता है, तो मन सोचता है भाई इनसे दूर ही रह, तू नजदीक जाएगा तेरा एक्सरे खींच लेंगे, तू नजदीक जाएगा तेरे कर्म को जान लेंगे। तो नजदीक रहो या दूर रहो, तेरा कोई कर्म उनसे छिपा हुआ तो वैसे भी नहीं, छिपा हुआ नहीं, लेकिन एनालिसिस तुमको करने का है कि तुमको जिस गंदगी से गुरु ने निकाला उस गंदगी ने तुम्हारी क्या दुर्दशा की हुई थी, और आज भी अगर तुम उसका अंश साथ लेके चल रहे हो तो तुम ना तन से स्वस्थ हो पाओगे ना मन से स्वस्थ हो पाओगे। निश्चयात्मक बुद्धि सही और गलत को पहचानती है ना, मन तो बहता रहता है, मन तो हर इंद्रिय के विषय के साथ भी बह जाएगा, लेकिन ईश्वर ने सालिम बुद्धि किस लिए दी है? तो ये बुद्धि निश्चय करे सही क्या और गलत क्या, और जो गलत पहले कर चुका पाण उस गलत से ऊंचा उठ के आज सही तरफ चल पड़े। बुद्धि इसीलिए मिली है ना तुम्हें। तो गुरु से नहीं डरो, अपने गलत कर्मों से डरो।
गुरु से तो प्यार बढ़ाओ ताकि तुम अपनी गलत हरकतों से ऊपर उठ सको, उनके प्यार में भीग सको, डूब सको, उनके प्यार में शुद्धि आ सके तुम्हें और मन की सारी नेगेटिविटी खत्म हो सके। गुरु से डरने की आवश्यकता नहीं, ये मन डराता है और वो अपने गलत कर्मों के कारण डराता है, तो कर्मों से उपराम होने की कोशिश क्यों ना करें, गलतियों से ऊंचे उठने की कोशिश क्यों ना करें, बजाय हम इतनी बड़ी सजा पाएं कि हम डर के मारे गुरु से दूर हो जाएं। उससे अच्छा है इस डर से कि मैं भगवान से दूर ना हो जाऊं, मैं अपने गलत कर्मों से परे हो जाता हूं, मैं अपनी गलतियों से परे हो जाता हूं। भाई ये तो फैक्ट है, जितना अंदर जगत रहेगा, विकार रहेंगे, वासनाएं रहेंगी, ईश्वर की भक्ति तो फिर धूमिल पड़ेगी ना। पर अगर मुझे उसकी भक्ति को बढ़ाना है तो मुझे अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। वस्तु माय ले वस्तु गडाई, तैते बिन कुछ कया ना जाए, वस्तु में ला सकते हैं, तो भगवान से मिलके एक कौन हो सकेगा जो अपने को भगवान जैसा शुद्ध तो बनाएगा, तभी मिलके एक हो पाएगा ना, तभी खुनकी से कह सकेगा ना मैं भगवान का बच्चा हूं। तो अपना एम पकड़ लें, अपना एम याद कर लें। अच्छा, कभी कभी मन कहता है फिर हम बैठे कैसे, हमारे अगर ऐसे स्वभाव संस्कार हैं पीछे हम यहां बैठे कैसे हैं। बल्कि एक बात ये सोचो कि पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे सतगुरु का दरबार मिला, कोई तो मेरे पास पूंजी थी ऐसी अच्छी जो मेरे को भगवान की शरण मिली, पर अब मैं ये पूंजी गवा क्यों रहा हूं अपनी अज्ञानता से, अब मैं ये पूंजी खत्म क्यों करता जा रहा हूं, आग क्यों लगा रहा हूं इस पूंजी को। उसका दृष्टांत याद करो, जो दो दोस्त रोज इकट्ठे घर से जाते थे, एक मोड़ पे अलग होते थे, एक जाता था वैश्या के पास, एक जाता था गुरु के पास। एक दिन जब अलग होने लगे, वैश्या की तरफ जाने वाले को एक अशर्फी मिल गई सोने की, और जो जा रहा था गुरु के पास उसको एक कांटा चुभ गया। तो वो हंसने लगा दूसरा, बोला देख गुरु के पास जाता है तो भी तुझे चुभा कांटा, और मैं जाता हूं वैश्या के पास फिर भी मिली अशर्फी। जो गुरुवान था, थोड़ा निश्चयात्मक बुद्धि का था, बोला मैं गुरु जी से पूछूंगा, मैं तुम्हारी बात में नहीं आऊंगा, पूछूंगा गुरु जी से कि चक्कर क्या है ये। पहुंचा सत्संग में, गुरु से बात बताई, गुरु बोले उस स्थान पर चलो हमारे साथ, दोस्त को भी बुला तू भी चल। दोनों लोग पहुंचे उधर, जहां उसको कांटा चुभा था बोला खोद जमीन, जहां उसको शर्फी मिली थी खोद जमीन, जमीन खोदी, जिसको कांटा चुभा था नीचे कांटों का बड़ा हार सड़ा हुआ पड़ा था, जहां शर्फी मिली करोड़ों अशर्फियां जली हुई पड़ी थी। गुरुजी ये क्या है, बोला भोगे बिन छूटे नहीं कर्म गति अति बलवान, तुझे कांटा चुभना था, इतने कांटे लगने थे, शूली से कांटा हुआ एक कांटा चुभा, बाकी ये जो तू रोज सत्संग आया गया आया, भगवान के दर के चक्कर काटे, कांटे सड़ गए सारे। और बोलिया इसकी प्रारब्ध में इतनी अशर्फियां करोड़ों, पर कुकर्मों के कारण सारी अशर्फियां सड़ गई, केवल एक मिली। अब पूंजी तुम्हारे पास है कोई अशर्फियां जिन्होंने भगवान के दर पे ला बिठाया, अब तुझे विचार तो ये करना चाहिए कि अगर भगवान ने कृपा करके ऐसी प्रारब्ध दी कि मैं ईश्वर की दरबार में हाजिरी लगाए बैठा हूं, तो मैं अपने गलत कर्मों से ऐसा तो नहीं बाकी अशर्फियों को आग लगाता जा रहा हूं, अपने गलत विचारों के कारण बाकी अशर्फियां मैंने खत्म तो नहीं कर दी, खोटी तो नहीं करता जा रहा। बल्कि ये विचार करो, तुम सोचेंगे अगर मैं
ऐसे कर्म करता हूं फिर भी यहां बैठा क्यों? तो क्या तुम भागना चाहते हो? बैठे हो तो भगवान की कृपा मानो ना, फिर इस कृपा का फायदा उठाओ, शुक्राना मानो, अपने को बदलो, अपने को बनाओ, चिंतन में लगो, ऑब्जर्व करो बाकी लोगों को कि मेरे साथ के और लोग कैसे उन्नत हो रहे हैं, कैसे उनका मनन का स्वभाव, विचार का स्वभाव, गुरु को कैच करना आता है। ये सब अपने से मेहनत करनी होगी। जहां अपनी मेहनत जीरो है वहां सारी जिंदगी भी बैठे रहो बात नहीं बनेगी। मान लो कौवा रोज मुंडेर पे जा बैठे महल की, हंस थोड़ी ना हो जाएगा। जरूरत महल की नहीं है हंस को। सोचने वाली बात यह है, महल का तो कोई रोल ही नहीं है। कौवा पन छोड़े फिर जहां मर्जी बैठ जाए हंस ही कहलाएगा। हंस महल की मुंडेर पे चढ़ के हंस नहीं है। जहां मर्जी बिठा दो हंस को, हंस तो हंस है। कौवा बोले मैं महल पे बैठूंगा, महल की मुंडेर पे चढ़ूंगा ना, लोग समझेंगे तो मैं हंस हूं। नो, रहेगा तू कौवा, खाएगा थूक और खंगारा, हंस नहीं हो पाएगा। कौवा पन छोड़ दे तू जहां मर्जी बैठ, तू हंस कहलाने वाला है। महल का तो कोई रोल है ही नहीं बीच में, महल क्या करेगा? ब्रह्मज्ञानी को कहीं बिठा दो, ब्रह्मज्ञानी। फूल को कहीं बिठा दो, गुलाब का फूल अगर शमशान घाट में पड़ा, गुलाब का नहीं, खुशबू नहीं है उसकी। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी अपनी होती हैं, निश्चय हमारा, स्वभाव हमारा, बाहर किसी चीज की आवश्यकता थोड़ी होती है। ज्ञानी होने के लिए ज्ञान के शब्दों की जरूरत नहीं है, पर आपका आचरण, आपका निश्चय बोलता रहता है, अपने आप ही बोलता है। जरूरी नहीं है कि लाल चुनरी ओढ़ेगी तभी माता की पूजा होगी। कभी भक्त शौक में आके पीली चुनरी पहना देते हैं राजस्थानी, कभी जाओ तो पंडित जी ने मूर्ति का श्रृंगार किया होता है, हरा दुपट्टा, नीला दुपट्टा, फिर आप कहना बंद कर देते हो ये माता नहीं है, इनकार कर दोगे, माता तो माता ही है, रूप कोई भी धारण कर ले, क्या हो गया? कृष्ण तो कृष्ण है, कभी राधा के साथ, कभी राधा के बिना, कभी विराट रूप दर्शन है तो कभी गोपाल रूप है, पर कृष्ण तो कृष्ण है। कृष्ण कॉन्शियसनेस मेन चीज है, ना उसकी धोती मेन है, ना बांसुरी मेन है, ना मोर पंख मेन है। ये तुमने लगा दी निशानी। अगर घर आ जाओ तुम, हमने ड्रेस चेंज कर रखी हो तो फिर तुम हमें नहीं मानोगे। समझो हमने घर में नाइट सूट पहन रखा हो, पजामा टी शर्ट पहन रखा हो, शॉल ना ली हो, हमने जैकेट पहन रखी हो, कोट पहन रखा हो ऊपर, पर तुम इनकार कर दोगे, नहीं नहीं आप तो वो नहीं हो, फिर जो बात करने आए हो नहीं करोगे वो। बाहर की वेशभूषा का फर्क ही क्या पड़ता है? मेन तो जिससे मिलने आए हो उसकी बात है। ऐसे हम बाहर से शो करें उसकी जरूरत नहीं, परिवर्तन अंदर से। जब भीतर वाला पलटता है बात वहां बनती है, जब किसी का अंदर वाला नहीं पलटता वो बाहर से रोज पलटने की बातें करता है, खड़ा वहीं रहता है। कौवा मुंडेर पे बैठ के भी करेगा तो काऊ काऊ, जाहिर थींदन जात रहतमा रूहल चबे। स्वामी रूहल कहते हैं जाहिर थींदन जात रहतमा, तुम्हारी जो जात है वो तुम्हारी रहनी से प्रकट होके रहती है। एक
आदमी था, उसके गधे को कोई घास नहीं खाने देता था। जिस खेत में चला जाए लोग डंडे मार के गधे को भगा देते थे। युक्ति सूझी, शेर की खाल पहना के गधे को छोड़ दिया खेत में। गधा मजे से घास खाए रोज और शेर देख के कोई नजदीक ही ना जाए। एक दिन एक आदमी को विचार चला, शेर है तो घास क्यों खाता है, शेर है तो मांस खाए ना, घास कैसे खा सकता है। उसने गुलेल लगाई जोर से, गधा उछला, खाल उतर गई। अब गधा ढेंचू ढेंचू करके भागा। पता लग गया शेर की खाल थी, असल तो गधा था। अब ये इंसान का जो गधापन जीव भाव, वो ज्ञान के शब्दों से कवर नहीं होता। कभी कभी ना भ्रम होने लगता है, ज्ञान भी बोल रहा हो ना चार जगह, भ्रम होने लगता है शायद मेरी स्थिति हो गई है। लोग भी कहते हैं आप तो बड़ी अच्छी बात करते हो, मजा आ जाता है आप आ जाते हो तो। मन भ्रम में, शायद मेरी स्थिति हो गई है इतनी ऊंची, बोलते बोलते भ्रम आ जाता है, मेरे को पक हो गया है ज्ञान। वहीं मरता है इंसान सबसे ज्यादा, क्योंकि अभ्यास छूट जाता है, साधना छूट जाती है, अंतर्मुखता छूट जाती है। और फिर जो लोग उसको चढ़ा रहे थे ना कि तू तो शायद बहुत पूर्ण, तू तो ऐसा, तू तो पहुंचा हुआ, यही लोग गुलेल लगा के फिर गधा देख लेते हैं अंदर कि भाई बैठा तो गधा ही है भीतर। तो दिखावे से काम नहीं। हम कहां बैठे हैं इसकी इंपॉर्टेंस नहीं, हमारी विचारधारा क्या है इसकी इंपॉर्टेंस है। सदना कासाई भले बकरे काटे तो भी ब्रह्मज्ञानी है। गणिका वैश्या, और जिस दिन उसको राम नाम की लगन लगी, कोई घर नहीं छोड़ दिया, बैठी उसी कोठे पे ही थी, लेकिन उस कोठे की दहलीज को गोपियों ने पार किया। तो किए राम रिझाया री गणिका, तो किए राम रिझाया। गणिका हमको भी बता, तूने राम कैसे रिझाया, तूने ये सच कैसे पाया। कहां बैठे हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आज तुम बैठे तो सत्संग जैसी जगह पे हो, पर यहां बैठ के भी विचार गलत करो अगर तो सत्संग में थोड़ी बैठे हो। और कोई व्यक्ति आपको संसार में नजर आ रहा है, लेकिन अगला अगर तन मन से साफ है, अपने कर्म के प्रति लॉयल है, अंदर से भगवान को समर्पित है, तो भगवान के बहुत नजदीक है वो, तो तुम्हें लग रहा है दूर है। दूर होके भी नजदीक है, कोई नजदीक होके भी दूर है। तो बात तो इस चीज की हुई ना। अब बगले का घर गंगा किनारे, बगला रहता ही गंगा किनारे, तो भी तो मूर्ख मछली मारे। एक टांग पे खड़ा है साधु बन के, ऐसे लगता है तपस्या कर रहा है, पर उसकी नजर है मछली निकले तो झपटूं। तो गंगा किनारे रहता है बगला, तो भी क्या कर लिया उसने। अभी जाओ तुम, ये बच्चे चलते हैं कभी, हम लोग जाते हैं हरिद्वार, वो पंडे संडे जितने बैठे रहते हैं उनकी आंख ही बताती है, गंदी आंख। बैठे गंगा किनारे हैं, पूजन करवा रहे हैं, उधर गंगा की आरती कर रहे हैं, और अपने अंदर गंदगी। तो सारी जिंदगी बिता दें गंगा किनारे, क्या हो जाएगा। गंगा किनारे बैठना इंपॉर्टेंट थोड़ी है, मन को गंगा जैसा शुद्ध करना इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ रैदास चमार जूता सिलते हैं, उनकी कठौती में गंगा निकल आई। एक कड़ा तो मिला राजा को वहां, गंगा ने दिया, दूसरा कड़ा निकला रैदास की कठौती में। बोला गया मन चंगा तो कठौती में गंगा, जरूरी नहीं गंगा में नहाना जाना पड़े। मन चंगा है जिसका, उसकी तो कठौती में भी गंगा है। ये यतन मत करो, मैं इस जगह बैठूं, मैं उस, लाओ तुम यहां बैठ जाओ रोज। अगर तुम्हें लगता हो ये गद्दी बड़ी शुद्ध है, इस पे बैठ देखो एक दिन, सो देखो एक दिन, यहां
मन का विचार पलट के पलटा आएगा। दादा को एक बार किसी, दादा आप अपनी शर्ट दे दो। दादा ने बोला अगर मेरी शर्ट से तुम्हें ज्ञान लगता है मैं आज सारी शर्ट्स बांट दूंगा, लेकिन भ्रम है तुम्हारा, तुम्हें अंदर से पुरुषार्थ करके पलटना है, ना कि इन चीजों से पलट जाओगे। लाओ हम अपना जूठा खिला दें, हम अपना शर्ट दे दें, हम अपनी पेन दे दें, मेरे पेन से ज्ञान लिख लोगे, लग जाएगा तुम्हें, लग जाएगा ज्ञान। फिर कलम में थोड़ी कुछ है, ज्ञान तो ज्ञानी के अंदर है। आप जिस कलम से सारा दिन लिखते रहते हैं वो दे दो, ले जा, क्या करेगी वो कलम, तेरे घर जाके कलम ही सूख जाएगी बेचारी, कुछ आएगा अंदर से तो लिखेगा। तो कलम में थोड़ी कुछ है। अब लोग बोलते हैं मेरी लक्की शर्ट है, हर इंटरव्यू में पहन जाता हूं। अरे पढ़ाई तुझे आती है, तू उससे पास होता है, शर्ट से थोड़ी पास हो जाएगा। शर्ट पहन जा और पढ़ के ना जा, फेल तो फिर भी होएगा। कृष्ण की बांसुरी ले लो, जब तुम्हें बजानी नहीं आती भें भें करेगी वो भी तुम्हारे पास आके, कृष्ण बन जाओगे बांसुरी लेके। कितनों को शौक चढ़ता है मैं भी बांसुरी बजाऊं कृष्ण की तरह, फोटो खिंचवा लूं बांसुरी लेके, फिर हो गए कृष्ण। कृष्ण होना इतना आसान है, पीली धोती मोर पंख और बांसुरी, बस सारी दुनिया कृष्ण हो जाती। ना तेरे सिर पे मोर पंख टिकने वाला, धोती वैसे खुलने वाली है, पुल खुलेगी और बांसुरी भें भें करेगी। कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ जाओ, बार का कोई चिन्ह ना उठाओ तो भी तुम कृष्ण रूप हो। अबाइड इन मी, भगवान ने साफ बोला अबाइड इन मी, मेरे में समाहित चित वाला हो। ये थोड़ी बोला मेरी नकल कर ले, पीले कपड़े पहन ले, बांसुरी उठा ले, मोर पंखी लगा ले तो कृष्ण हो जाएगा, नहीं। अर्जुन को बोला अबाइड इन मी, एज ये नो मी एज आई एम सो शैल यू बी। जितना बड़ा मैं हूं, जितने प्रभाव वाला मैं हूं, जब तू मेरे को ज्यों का त्यों जानेगा तो तू मेरा रूप हो ही जाएगा। मेन बात तो ये है, मां की साड़ी पहन के लड़की को खाना बनाना आ जाएगा तो बड़ा आसान है। बाप का कोट पहन के, बाप की चप्पल पहन के बेटा फैक्ट्री चला लेगा। ब्रह्म में भी क्यों जीना, मैं कहां बैठा हूं। गीता भगवान बोलते थे मेरी थाली में रोटी खाओ, मेरी चारपाई से पैर बांध लो, मेरे साथ कट्ठा सो जाओ मेरे पलंग पे, फिर भी तेरा निश्चय तुझे तारेगा, कुछ नहीं होना इस सब से भी। भाई जो तुम्हारा निश्चय है, ये सब बाहर के कर्म करने से कुछ होगा ही नहीं। मेन चीज है नो दाई सेल्फ। और एक बार अगर तू अपने को पलटेगा तेरे लिए दुनिया पलट जाएगी। दुनिया ना बदले बदल जाए हम, फिर तुझे मिलेगा परमानंद। तो अगर भगवान ने कृपा की अपने दर पे बिठाया है, उसकी कृपा का फायदा ले लो। ये ना हो कल ये कृपा भी तुमसे टकरा टकरा के वापस लौट जाए। ये भी देखा है, बहुत बार देखा है, कईयों के साथ होते देखा है, जिन्होंने समय रहते ईश्वर की कृपा का फायदा नहीं लिया, फिर वो पछताते ही रह गए क्योंकि कृपा भी टकरा टकरा के लौट गई, हर्ट हो गई कृपा भी कि ये तो मुझे अपनाता ही नहीं है, ये तो मेरे को अपने करीब आने ही नहीं देता है, मैं ईश्वर की दाद देना चाहता हूं लेकिन ये लेना ही नहीं चाहता है। तो ऐसा ना हो एक दिन बैठ के सिर्फ पछतावे हाथ में आए। संभलना, जागना, अपने निश्चय की जोत जलाना, उससे कल्याण होगा। बाकी करोगे अगर बाहर की बातें करोगे, बाहर की नकल, उसमें खोट है, फिर गिरावट है, वो नहीं करना है। राबिया जमीन पे सोई हैं, ईंट का तकिया, फटी बोरी लेके बैठी हुई है, चलने में असमर्थ,
ऐसी राबिया के पास काबा चल के जाता है दर्शन करने। जो भगत गया था काबे का दर्शन करने, बोला काबा राबिया से मिलने गया, सोचा बहुत बड़ा महल होगा, दरबार होगा, क्या देखी हालत, ये तो 70-80 साल की बुजुर्ग औरत। और उससे जब पूछा काबा आपसे मिलने आता है, कहती अब मैं बुजुर्ग हो गई हूं, नहीं जा पाती, वो आ जाता है, बड़ी साधारण बात हो जैसे। तो किसकी वैल्यू हुई सोच के देखो, स्थान की वैल्यू नहीं है, टैलेंट की वैल्यू नहीं है, अंदर के निश्चय की वैल्यू है। निश्चय की जोत जल रही है तो काबा भी दर्शन करने आता है। तुम अपनी जोत बुझा के बैठे हो निश्चय की, अपने आप को ही रोशन नहीं कर पाते हो, अपने आप को ही मार्ग नहीं दे पाते हो। सोने की थाल में अगर जमादारनी ने विष्ठा उठाई तो उस पे हमें अजीब लगता है, पागल औरत है, हीरे मोतियों जड़ा थाल और विष्ठा लेके जा रही है, राजा ने खुश होके दिया था, तुम्हें भी तो सोने का थाल दिया भगवान ने, ये शरीर, इसी से तुम क्या कार्य ले रहे हो, अपने से भी पूछ लेना, तुम इससे क्या कार्य ले रहे हो, तुम इसकी क्या वैल्यू कर रहे हो। जिस जीवन से आवागमन खत्म किया जा सकता है तुम कर्मों की ओर गांठे बांध रहे हो, जिस जीवन में अक्षय आनंद पाया जा सकता है तुम टके टके के सुखों के गुलाम बन रहे हो, बिक रहे हो उसके ऊपर, अपना जमीर बेच रहे हो उसके ऊपर। जिस जीवन को देवताओं भी तरसते हैं, हमको ये जीवन मिल जाए, नर्तन मिल जाए, तुमको वो जीवन हासिल हुआ, देवताओं से भी ऊंची जून हासिल हुई, तुम चाहो इस जीवन में परमात्मा से मिलके एक हो जाओ। मनुष्य जीवन है बीच सीढ़ी, चाहो ऊपर चढ़ जाओ चाहे नीचे गिर जाओ। अब ये तुम देखना तुम अपने निश्चय से क्या करते हो, ऊंचा जाते हो या नीचे गिरते हो। नीचे गिरना आसान है, पानी की बाल्टी गिराओ पानी अपने आप नीचे आएगा, चढ़ाने में जान निकल जाती है, चढ़ने में मेहनत है। रोज ये मेहनत अपने साथ करके अपने को चढ़ा डालो, कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। ठीक है।